Hit like if you love your mom. नमस्कार भाई और बहनों, आज फिर से है शनिवार, आया है आपका यार लेके बातों की बहार जिसका नाम है स्पेसेस ऑफ ल्यूसिडिटी। हेलो फ्रेंड्स, दिस अर्धेंदु, आपको मालूम ही है मेरा नाम। आज है शनिवार अगेन, आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के संग आपसे बात करने आया हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है ट्रोल्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई इस ट्रोल की और कैसे धीरे 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 बढ़ते हुए मजाक से ये चीपनेस की तरफ बढ़ता गया, और कैसे ये ट्रोल्स हमारे दिमाग को चेंज करते हैं या बिना सोचे समझे हम इन ट्रोल्स के बारे में पढ़ते हैं, इन ट्रोल्स को शेयर करते हैं और अपने दिमाग को बिना लगाए इनके बारे में लोगों से स्टूपिड सी आर्गूमेंट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जैसे अपने कंट्री में इलेक्शंस आने वाले हैं 2014 के, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ट्रोल्स, पॉलिटिकल ट्रोल्स के संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसकी तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, आप देख ही रहे होंगे, एक्स वर्सेस वाई, ये सीन कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में बात करते हुए मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों मैंने थोड़े दिनों पहले ही ये देखा था। इशरत जहां का केस अभी बाहर आया है, सीबीआई ने बोला है, सीबीआई की एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर एक ट्रोल आया। देन नेक्स्ट डे एक और ट्रोल उत्तराखंड के लोगों के ऊपर आया कि भाई उत्तराखंड में इतने हिंदू गए या जो भी हुआ वहां पे, और इन सारी चीज़ों को उस पर्टिकुलर पेज पे डिस्कस किया जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड ट्रोल। अपनी डे टू डे लाइफ में या कहीं भी हम जाते हैं और बिना सोचे समझे इन ट्रोल के बेसिस पे वी यूज़ टू हैव आवर डिस्कशंस, वी यूज़ टू हैव आवर आर्ग्यूमेंट, हाउ करेक्ट इज़ दिस? आई मीन बिना किसी सरपैर की चीज़ को जाने हुए, बिना अपना दिमाग लगाए हुए, और क्या इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उन ट्रोल्स में जो भी स्टैट्स दिखाए गए हैं वो सही हैं, या उन ट्रोल्स के अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, कौन बनाता है ये ट्रोल्स और कहाँ से आए हैं ये ट्रोल्स? ठीक है, हाँ, मजाक के तौर पे देखा जाए तो इट्स गुड, बट अगर किसी की इमेज को ख़राब करना हो, जो कि ये ट्रोल्स आजकल इनको इसीलिए यूज़ किया जा रहा है, हंसी मजाक से ज़्यादा बढ़ के ये आजकल लोगों की इमेज को ख़राब करने में ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। अभी मैंने कल परसों एक ट्रोल और देखा था जहाँ पे काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन को गधे पे बिठा के उनको घुमाने की बात की जा रही थी, बस शायद उन लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है कि जितने इनके ट्रोल्स के शेयर नहीं होते, जितने इनके ट्रोल्स पे लाइक नहीं होते, उतने डिफरेंसेस से ये पॉलिटिशियंस जीत के पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारी बातों को रखते हैं। मेरी बातों का ये मकसद नहीं है कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो अच्छे हैं वो या वो गलत हैं, ये सारा डिसीजन आपका है, आप सोचो इस बारे में, ये मेरा हेडेक नहीं है। बट मेरा पॉइंट बस यही कहना है कि इन ट्रोल्स के बेसिस पे किसी को जज करना, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जज करना या एक किसी एक्टर को जज करना, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को जज करना, क्या ये सही है? आई मीन स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हुए, कितने सारे स्पोर्ट्समैन हैं हमारे कंट्री में जिनका मजाक उड़ाया जाता है फेसबुक पे, और कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका अननेसेसरली जिनको प्रमोट किया जाता है फेसबुक पे। किसी भी चीज़ को फॉलो कर लेना, आई मीन अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था सर रविंद्र जडेजा जोक्स कहाँ से आए रातों रात, कैसे एक तरीके से कैसे ये इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर डाला कि अब उस बेचारे क्रिकेटर को, उस अच्छे भले अच्छे खासे क्रिकेटर को लोग रविंद्र जडेजा के बजाय सर रविंद्र जडेजा बुलाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आई मीन बिना कुछ किए, बिना उसकी गलती के, कुछ नहीं किया था उसने और उसके नाम के आगे हमने सर तो लगाया। इनफैक्ट डोंट यू थिंक दैट ऐसा करते हुए भी हम उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं, या उन सारे लोगों या उस पर्टिकुलर पर्सन को कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं, सर की उपाधि को कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं कि उन सारे लोगों ने क्या क्या करके, उन्होंने कितने काम किए हैं सोसाइटी के लिए, कितने काम किए हैं बाकी दुनिया के लिए जो उनको सर की उपाधि मिली, एंड हंसी मजाक में हम किसी को सर बुला रहे हैं, एंड देन अगेन वो सर की उपाधि उसके संग भी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। देन ऑल अदर जोक्स, इनके बारे में भी काफ़ी आजकल चर्चाएं फेसबुक पे फैली हुई हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोग देखते ही होंगे। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे किसी को प्रमोट करना या किसी को डिबॉलिश करना या किसी को ख़त्म करने की बात करना नहीं है, मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ यही है कि अपना दिमाग लगाओ,
कुछ भी अगर आप शेयर करते हो, आप सोचो कि इसका बाकी लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए वो एक हंसी की बात होगी, बट किसी के लिए वो एक आर्गुमेंट का टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन इस डिस्कशन को ख़त्म करते हुए इसको मैं ओपन एंडेड छोड़ता हूँ आपके लिए। आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, हम मिलकर इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए, उनको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। दिस इज़ अर्थ हिंदू साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।